नमस्कार दोस्तों, सिर्फ मेरा बताया हुआ ये एक फेशियल कर लीजिए, आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा और निखरा हुआ हो जाएगा। आपके चेहरे की जितनी भी पिगमेंटेशन है, स्कार्स है, सनबर्न है या फिर छोटे छोटे दाग धब्बे हैं, वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे और उसका बेहतरीन रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो मुझे अपनी वीडियो को ज़्यादा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने उसको ध्यान से देखना है, इंग्रीडियंट को क्या मैंने मिक्स करा है, कैसे किया है और सेम एज इट इज आपको फॉलो करना है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जो आपके घर में किचन में अवेलेबल है सिर्फ उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कोई आपको ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं, पैसा तो बचाएगा ही, साथ में निखार अल्टीमेट आपकी स्किन पर लेकर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो इतना ही पसंद आ रहा है तो प्लीज उसको शेयर जरूर करिएगा और हाँ लाइक जरूर करिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, हमेशा आपके लिए कुछ बेस्ट और आपके पैसे बचाओ वाली चीजें आपके सामने लेकर आती हूँ, ताकि आपकी स्किन भी अच्छी हो और आपके पैसे भी सेविंग में जाए, ना कि बल्कि बाहर के महंगे और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज इस फेशियल को करने के लिए आपको तीन स्टेप को फॉलो करना है, बहुत ज्यादा आपको झंझटबाजी नहीं करनी। फर्स्ट हमारा स्टेप है क्लिंजिंग, सेकंड स्टेप होगा हमारा स्क्रबिंग और थर्ड होगा हमारा पैक। तो क्लिंजिंग के लिए हमें क्या करना है, अपने फेस को पहले अच्छे से किसी भी फेस वॉश से धो लेना है, ताकि उसमें सारी जो गंदगी है, हमारे फेस पे पॉल्यूशन है, डस्ट है, वो सब निकल जाए। ठीक है, क्लिंजिंग को बनाने के लिए खाली बाउल लेना है, उसमें आपको कच्चा दूध डालना है 2 चम्मच, और आपने इसमें ऐड करना है चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच ग्लिसरीन। आपको इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद कॉटन बॉल इसमें डिप करके आपको अपने फेस को अच्छे से क्लींस करना है और डैब डैब करके अपने फेस पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि अपने कानों पे और नेक पर, अपनी बैक साइड जो नेक होती है पीछे की तरफ गर्दन और फ्रंट नेक पे जरूर इसको अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। हल्दी में होती है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी, जो आपकी स्किन में जितने भी पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उनको सब चीजों को फाइट करती है, आपकी स्किन एलर्जी से आपको बचाती है। जो दूध होता है आपकी स्किन को नेचुरली क्लींस करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देता है। ग्लिसरीन हमारी स्किन को अलग सा मॉइस्चर प्रोवाइड करती है और हमारी स्किन को यूजफुल बनाती है। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ, जो है स्क्रब। स्क्रब के लिए आपको क्या करना है, 2 चम्मच लाल मसूर दाल ले लेनी है और आपको 3 चम्मच चावल लेने हैं, और इन दोनों को मिक्स करके आपको ग्राइंडर में इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट मतलब आपको पानी नहीं डालना, इसको पीस लेना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जितना हो सके अच्छे से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। देखिए, जब हम लाल मसूर दाल को चावल के साथ मिक्स करते हैं तो इससे बेटर और इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि चावल जो ऐसी चीज है जो कोरियन स्किन केयर रूटीन में यूज किया जाता है, क्योंकि आपकी स्किन से सारे फाइन लाइन रिंकल्स को हटाता है, आपकी स्किन को फॉर्म करके टाइट करता है, आपकी स्किन में व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, और जो लाल मसूर दाल है वो क्या करती है, आपके जितनी भी झाइयां हैं, पिंपल के मार्क्स हैं, आपकी स्किन जो पैचीनेस हो गई है, काली हो गई है कहीं से, या पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको ये रिड्यूस करती है, आपकी स्किन के कलर को नेचुरली एनहांस करती है, आपकी स्किन से डेड लेयर को हटाती है। तो बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। तो आपने क्या करना है, इस पाउडर को एक कटोरी में निकाल लेना है, चाहे तो आप ज्यादा भी पाउडर बनाकर रख सकते हैं, पानी नहीं डालना, सूखा पाउडर आप किसी भी कंटेनर में स्टोर करके कहीं भी रख दीजिए शीशे में। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी। हनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में हमारे जो स्किन है उसको रिंकल फ्री बनाता है और ग्लोइंग बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो आपने तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, थोड़ा सा वाटर यूज कर लीजिए ताकि वो एक प्रॉपर स्क्रब बन जाए। ठीक है, बहुत हल्के हल्के हाथों से, तो जो आपके ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, वो भी इससे रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन एकदम यंगर लुकिंग बनेगी। तो आपने अपना फेस जो है नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से धो लेना है। अब बारी आती है पैक बनाने की, क्योंकि जो पोर्स ओपन हुए हैं उसको हमें क्लोज भी करना है। तो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, 1 कटोरी में 2 चम्मच दही डालना है आपने। अगर दही खट्टा होगा तो बहुत बेहतर है, नहीं खट्टा तो कोई बात नहीं, आप वो वाला इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉफी पाउडर। कॉफी क्या करती है, आपकी स्किन के कलर को नेचुरली एनहांस करती है, आपके पोर्स को डीपली क्लीन करती है। तो 1 चम्मच कॉफी पाउडर डालना है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 2 से 3 ड्रॉप लेमन की। नींबू क्या करता है, हमारी जितनी पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे है, उनसे हमारी स्किन की प्रोटेक्ट करता है, फाइट करता है। अगर आपको नींबू सूट नहीं करता तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जगह टमाटर का जूस ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है अगेन हनी।
एक चम्मच हनी आपने ऐड करना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख लीजिए अगर हनी की क्वांटिटी आपको ज्यादा इंक्रीज करनी है, अगर आपका पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आप हनी ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके आपको अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है 10 से 15 मिनट के लिए। अप्लाई करने के बाद आप नॉर्मल ठंडे पानी से धो लीजिए और अपना कोई भी फेस मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए। नहीं तो सबसे बेस्ट क्या होता है, एलोवेरा जेल, मैंने पतंजलि का रखा हुआ है, मैं वो यूज करती हूँ, तो वो आप अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है फेशियल। और अपने फेस का ग्लो सच में नोटिस करना, ऑनेस्टी के साथ बताना मुझे कमेंट करके विद योर सिटी नेम कि जब आपका इस फेशियल को करने से पहले आपका स्किन का कलर कैसा था या आपकी स्किन कितनी अच्छी लग रही थी और करने के बाद क्या डिफरेंस आपकी स्किन में आया है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो प्लीज मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगी। जरूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये फेशियल कैसा लगा और इसका रिजल्ट कैसा रहा। लेकिन धूप में जाने से पहले आपने सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करना है, जरूर जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो धूप की किरणें होती हैं हमारी स्किन को जला देती हैं, जिससे हमारी स्किन बहुत जल्दी पिगमेंटेशन, एक्नी, पिंपल से भर जाती है और समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। पानी की मात्रा आपने अपनी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा करना है, वाटर लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि जो वाटर होता है हमारी बॉडी को अंदर से साफ रखता है, क्लेंस रखता है। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हमेशा ऐसा प्यार देते रहें, बहुत ज्यादा प्यार की आपकी जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।